हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 14 स्टैटिक्स का एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से बोल रहा है, थ्री क्वाइंस वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली, ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स ओकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फोल्ड। तीन सिक्के है जिनको 30 टाइम्स टॉस किया गया है और जो नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है ना, जो आने का चांसेस है उनको नोट करके एक डाटा के फॉर्म में लिखा गया है। उसके बाद बोल रहा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन बिलो। उसके बाद हमको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस डाटा के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है ना। नंबर ऑफ हेड्स पहले लिखेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब देखिए एक बार क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। तीन सिक्के हैं जिनको 30 टाइम्स टॉस किया गया है, ठीक है ना। और 30 टाइम्स जब आप टॉस करेंगे उसमें जो हेड आने का चांसेस है, ठीक है ना, उसको लिखा गया है कि एक बार उछाले तो कितना आया हेड, आवे नहीं किया हेड, मतलब जीरो आया, ठीक है। फिर एक बार उछाले तो हो सकता है कि दो टेल आ गया, एक हेड आ गया, मतलब वन हेड आ गया। वैसे करके जो भी डाटा है वो दिया हुआ, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप जो पहली बार उछाले तो उसमें हेड नहीं आया, मतलब कितना हेड आया, जीरो, हेड नहीं आया मतलब जीरो, ठीक है ना। फिर एक बार उछाले आप उसको, उसमें एक हेड आया और दो टेल आया, ठीक है ना, मतलब एक हेड आया और दो टेल आ गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक बार उछाले आप, भाई 30 टाइम बार उछाला है, एक बार फिर उछाले, उसमें दो हेड आया, ठीक है ना, और एक टेल आ गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक बार उछाले, ठीक है ना, उसमें तीनों को तीनों टेल आ गया, मतलब हेड आ गया, ठीक है ना, तीनों को तीनों हेड, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक बार उछाले, अब देखिए चार तो हेड आएगा नहीं, तीन सिक्का है, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हेड होगा वो 3 तक जाएगा, ठीक है ना। मतलब तीन बार हेड आ सकता है, तीन सिक्का या तीन बार हेड आ सकता है। अब फ्रीक्वेंसी में हमको ये बताना है कि कितनी बार जीरो हेड आया, कितनी बार वन हेड आया, कितनी बार टू हेड आया, कितनी बार उड़ाने पर, मतलब उस सिक्के को उछालने पर तीन हेड आया, ठीक है ना। अब कैसे मालूम चलेगा, तो देखिए जितने बार इसमें जीरो होगा उतने बार उछाले होंगे तभी ना आया होगा जीरो हेड, ठीक है ना। वैसे कितने बार वन आया है, मतलब वन हेड आया है, जितने बार इसमें वन होगा उतनी बार उछाले होंगे, ठीक है ना। आइए उस डाटा को लिखते हैं फ्रीक्वेंसी में। सबसे पहले जीरो, एक दो तीन चार पांच छह, मतलब छह बार सिक्के को उछाले हैं हम, तीनों सिक्कों को, तो हेड नहीं आया, ठीक है ना, मतलब जीरो आया है, ठीक है। उसके बाद वन देख लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है ना, मतलब 10 बार उस सिक्को को उछाले हैं हम तो केवल वन हेड आया है, ठीक है ना। उसके बाद टू देख लेते हैं, ठीक है ना, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, मतलब 9 बार हम उछाले हैं सिक्के को तो केवल दो ही हेड आया है, ठीक है ना, मतलब एक टिल्ट आते गया, ठीक है ना। मतलब होता है ना कि उछालते गए उछालते उछालते गए तो जो नंबर ऑफ उछालने का जो चांसेस है वो 9 बार उछाले हैं तो दो हेड आया, ठीक है। उसके बाद थ्री, एक दो तीन चार पांच, मतलब 5 बार उस सिक्के को उछाले हैं, ठीक है ना, 30 बार में 5 बार ऐसा होगा, ठीक है ना, जब उछाले होंगे तो 3 हेड आया होगा, ठीक है ना। टोटल कर लेते हैं इसको, टोटल आने वाला फ्रीक्वेंसी में क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, यहाँ पास नंबर ऑफ हेड्स होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ हेड्स नहीं, नंबर ऑफ टॉस होगा, ठीक है ना, मतलब कितने बार टॉस किए हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ टॉस, ठीक। कहने मतलब ये आपको बस फ्रीक्वेंसी लिखना है, ठीक है ना। तो 16, ठीक है ना, 16 प्लस 9 25 प्लस 5 30, मतलब 30 टाइम्स टॉस किए होंगे, ठीक है ना, तब जाके ये कुल मिला के भाई इसको ऐड करेंगे तो 30 आना ही चाहिए, 30 आ गया मतलब आपका सही, ठीक है ना। ऐसे करना है, मतलब 30 बार टॉस किया है जिसमें 6 बार जीरो आया हेड, 10 बार आया है वन हेड, 9 बार आया है दो हेड, 5 बार आया है 3 हेड, ऐसे आपको करना है और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सॉल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल एकेएमटी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।